हेलो स्टूडेंट्स, आपको मेरा क्लास का एक डायलॉग बहुत याद होगा। जब आप लोग क्लास में मुझे बहुत परेशान करते थे तो मैं आपसे कहता था मुझे बहुत ज़्यादा परेशान मत करो, मैं अदरवाइज ले चला जाऊँगा। अब आपका मेंस का रिजल्ट भी आ गया है और जेईई एडवांस बहुत नज़दीक है, तो इवेंचुअली मैं ले आ गया हूँ। और मुझे सबसे बढ़िया प्लेस यही लगा कि यहाँ से वीडियो बनाऊँ, रेंचोज़ कैफ़े, उनके स्कूल में आया हुआ हूँ। और इस वीडियो के थ्रू मैं आपको थोड़ा सा रेंचो का स्कूल भी विज़िट करवा रहा हूँ और एडवांस आपके क्लोज है तो उसके टिप्स भी आपको देना चाह रहा हूँ। ज़्यादातर मेरे जो वीडियोज़ होते हैं आप जानते हो कि टॉप रैंक होल्डर्स के लिए नहीं होते हैं, क्योंकि मेरा अपना ये मानना है कि जो टॉप रैंक होल्डर्स होते हैं वो एक तो सेल्फ डिसिप्लिन होते हैं और उनको ये पता होता है कि हमें क्या पढ़ना है, कितना पढ़ना है और किसी भी एग्ज़ाम को कैसे लिखना है, कितने आवर्स पढ़ना है। तो मेरा ये वीडियो भी रेस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स के लिए है। नो डाउट जेईई एडवांस में कुछ क्वेश्चंस बहुत टफ आते हैं, लेकिन अगर आप एक ठीक ठाक रैंक आईटी में लाना चाहते हो तो फिर बहुत ज़्यादा आपको स्कोर नहीं करना। जैसे नीट में तो आपने देखा होगा कि अगर मेरे को कोई अच्छा कॉलेज चाहिए तो बहुत हाई स्कोर चाहिए, इवन कुछ बच्चे 720 out of 720 भी ला रहे हैं। लेकिन आईटी में इतनी मारामारी नहीं है। और सेकेंडली मैंने तुमसे कहा कि यहाँ पर टाइम की भी उतनी प्रॉब्लम नहीं होती है जैसे जेईई मेंस और नीट में होती है। तो आपको सबसे बड़ी बात यह है कि आपको एरर्स एक तो कम से कम करनी है, मतलब निगेटिव आपको कम से कम देने हैं, और एक एक मार्क भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे कई मैचेज में आपने देखा होगा कि एक एक रन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इवन जैसे आपको मान लीजिए मोर देन वन ऑप्शन में अगर आपको ये लग रहा है कि एक दो ऑप्शन में आप बहुत श्योर हो तो उसको भी मार्क करिए। और जहाँ तक फिजिक्स की बात है तो क्लास में जो भी सर ने आपको नोट्स दिए हुए और उनमें से आपको जो भी लगता है कि ये क्वेश्चंस एडवांस के लिए बहुत इम्पोर्टेंट थे तो उनको आप कंसेप्चुअली अच्छे तरीके से देख लीजिए, क्योंकि किसी भी टीचर को आइडिया होता है कि एडवांस में किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं और वो नॉर्मली अपनी क्लास में उनको ज़रूर लेता है। और इरोडोप के जो लॉजिकल क्वेश्चंस हैं उनकी सीरीज मेरी यूट्यूब में चली रही है, एसी तक वो ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुके हैं, तो उनको भी ज़रूर देख लीजिएगा। सो स्टूडेंट्स, ऑल द बेस्ट, थैंक यू एंड गुड बाय।